नमस्कार साथियों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी सभी जानते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं पीटी के बारे में। पीटी का ऐसा एग्ज़ाम हो गया है जो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना कंपलसरी है कि इसके बिना आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते। तो इसलिए अब ये एग्ज़ाम आपके लिए क्वालिफाई करना एक कहना कि एक मतलब बहुत ज़रूरी हो गया, ऐसा कह सकते हैं। इसके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। तो इस बार जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो समथिंग 40 लाख के आसपास हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब कंपटीशन बहुत टफ है। 40 लाख की भीड़ होगी, उसमें हम एग्ज़ाम देने वाली होंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, सीरियस लीजिए, थोड़ा सा ऐसे हवा में मत रहिए, ठीक है। तो जो साथी मेरे साथ बने हुए हैं पहले से, उन सबको पता है कि हम यहाँ पर हिस्ट्री का टॉपिक से स्टार्ट किए थे। सिलेबस इसका ये आपको हर बार बता देती हूँ मैं, बार बार नहीं पकाऊँगी आपको। तो हमने भारतीय इतिहास से स्टार्ट किया था, ठीक है। इतिहास में हम इसके समथिंग 5-7 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं वो। सिंधु घाटी सभ्यता को किया था हमने, वैदिक संस्कृति को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, मौर्य वंश को। जिसे नहीं पता वो सभी जान लें, अब हमने क्या क्या कर दिया। जिसको पता है वो तो जान ही रहे हैं, जो हमारे साथ लगातार बने हुए चैनल को देख रहे हैं, जो वीडियो हमारे साथ में विजिट कर रहे हैं। तो हमने गुप्त वंश को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया था, फिर हर्षवर्धन को, और लास्ट हमारा पॉइंट जो पिछले वीडियो हमने देखा था वो था राजपूत काल। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सल्तनत काल का। तो हम जानेंगे सल्तनत काल के बारे में, कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या काम हुए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कैसा शासन था इनका। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए कि मैं कैसा पढ़ा पा रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन होता ना कि आप लोगों की कमेंट आएगी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के। और कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपने आप में, कि हाँ मुझे ये चीज़ मैं जल्दी बोलती हूँ, या फिर जैसे भी है, जो भी सबकी अलग अलग होती है ना। तो थोड़ा सा प्लीज़ अपनी राय दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फिर हम वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल को। सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश कितने वंश को पढ़ेंगे सल्तनत काल में? हम कजली वंश को पढ़ेंगे, तुगलक वंश को पढ़ेंगे, सैयद वंश और लोदी वंश, यानी कि इसमें हम 1, 2, 3, 4 और 5 वंश, यानी कि सल्तनत काल के अंतर्गत हम पांच वंश के बारे में पढ़ेंगे। वो हो जाएंगे आपका गुलाम वंश हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा आपका लोदी वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। यह भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। दिल्ली सल्तनत की जो घटना है 1206 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। गुलाम या ममलुक वंश, इसका जो टाइम पीरियड रहता है इस वंश का, कब से कब रहता है? 1206 से और 1290 ईस्वी तक इसका समय काल रहता है। तो 1206 में जो आता कौन है, कौन इसकी स्थापना करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक का अर्थ होता है, ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है कि चंद्रमुखी, ठीक है। इसने स्थापना 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राजधानी इसने अपनी लाहौर बनाई थी, और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी। श्वेत गुलाम को मामलुक कहा जाता था, जो श्वेत गुलाम होते थे उन्हीं लोगों को मामलुक कहते थे। ये है ना गुलाम वंश, गुलाम या फिर मामलुक। अगला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी जो पिछले में पृथ्वीराज तृतीय के साथ में जो से युद्ध होता था तराइन का, वही मोहम्मद गोरी की बात चल रही है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसे 1206 में मोहम्मद गोरी ने मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 को लाहौर में हुआ, जहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई थी 1206 में 24 जून को। ऐबक ने सिंहासन रूण होने के समय मलिक एवं सिपसा लार की उपाधि धारण की। ये तो एक उपाधि थी, ये तो मोहम्मद गोरी ने दी थी मलिक की, और दूसरी इसकी उपाधि थी सिपसा लारा की जो है उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन।
गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1208 में सिंहासन छत्र राजकीय पताका एवं नकारा में भेंट किया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। आगे देखते हैं इसमें, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक, तुर्की राज का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को तथा स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसे? स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण, ये फेमस क्वेश्चन है और ये आता है, कई बार आया भी है, क्या कहते हैं इसे? अपनी उदारता और दानी दान की वजह से इसे कहा जाता था लाख बख्श दान करने वाला या लाखों का दान करने वाला। इतिहासकार मिनिहाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? इतना ये उदार और दानशील प्रवृत्ति का था कि इसे मिनिहाज इतिहासकार थे, इन्होंने हातिम द्वितीय की संज्ञा दी। फरिश्ता के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किसी भी दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फख ए मुदव्विर आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। कुव्वत उल इस्लाम, ये इम्पोर्टेंट इनकी जो निर्माण है जो भी इन्होंने करवाया था, तो कुव्वत उल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इन इमारतों का इन्होंने किसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। फिर से देखते हैं, जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में बनी थी? तो शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। आगे देखते हैं चल के, 1210 ईस्वी में लाहौर में चोगान एक गेम होता है, यानी जिसे पोलो कहते हैं आज के टाइम में, तो वो खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया जाता है, यानी वहीं पे इसका राज्याभिषेक होता है, उसी को भी राजधानी बनाता है, वहीं इनका जब मृत्यु हो जाती है तो वहीं इन्हें दफना दिया जाता है। अगला पॉइंट में है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह, बहुत फेमस, मतलब कहें कि प्रतापी शासक, कोई राजा नहीं था, को प्रमुख तुर्की अमीरों ने शासन पर बैठाया, जो केवल 8 महीने तक शासन करता है। आराम शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश ने हत्या करवा दी। कहा ना, योग्य होता तो ऐसा नौबत ही नहीं आ पाती थी, जल्दी 8 महीने में रिटायर हो गए अपने पोजीशन से। तो इल्तुतमिश क्या कर देता है, इन्हें बंदी बना देता है आराम शाह को, और इसकी हत्या करवा देता है। इसके बाद में इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का जो टाइम रहता है वो 1210 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1210 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। ये प्रश्न पूछा गया है कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का सूबे था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। अभी तो हम इसके रिवीजन क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर टाइम मिलता है तो इसकी मैं एमसीक्यूज की सीरीज़ है पूरी, जैसे कि टॉपिक वाइज, जैसे कि हमने भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति शुरू किया था, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, गुप्त, ये सब पढ़ा था। टॉपिक्स वाइज सभी के एमसीक्यूज की सीरीज भी बना रखी है, बहुत अच्छे से उसे समझा है। अगर टाइम मिलता है तो हम बाद में भी इसे पढ़ाने के बाद में सीरीज़ को भी सॉल्व करेंगे, और फिर थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो हम इसकी पैट के लिए इसका प्रैक्टिस सेट, 10-15 प्रैक्टिस सेट जो होंगे उन्हें भी सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसमें, आगे क्या है। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या था? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके माता पिता मध्य एशिया के इलवारी कबीले के तुर्क थे। किस कबीले के? इलवारी कबीले के तुर्क थे, इस कारण इसको इलवारी वंश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इसका गुलाम था ये, तथा उसका दामाद था, गुलाम था और साथ ही दामाद ही था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ने कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और इल्तुतमिश ने, ये पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो राजधानी पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक होता है तो लाहौर में होती है, तो इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली ले आता है राजधानी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, क्योंकि पहला शासक था दिल्ली का, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे ने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है,
इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है इसमें, जो दिल्ली को, दिल्ली सेंटर पॉइंट रहता है ना, तो इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था इस तरह से। फरवरी 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलात एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खिलत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मेमिनीन की उपाधि धारण की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का वैध स्वतंत्र शासक बन गया। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, इसलिए हम आगे चलते हैं। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था। इल्तुतमिश जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। किसमें? शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी चांदी का टका जो कि 175 ग्राम का होता था और तांबे का जीतल ये चलाया। तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा इसे कहें, तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की। तुर्कान ए चहलगानी का संबंध सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से था। उन्हीं को तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा कहते थे। एकता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। एकता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि देना। तो धन नहीं देते थे, ये धन की बजाय क्या देते थे? भूमि को देते थे धन की राशि के रूप में। मतलब जो सैलरी की बात करें वेतन की तरह, तो ये भूमि को ही दिया करते थे। इल्तुतमिश के राज दरबार में मिनहाज उस सिराज मलिक को संरक्षण मिला था। किससे संरक्षण मिला था? मिनहाज उस सिराज को इल्तुतमिश के दरबार में। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। कोई मकबरा अगर भारत में पहला बना था तो सॉरी भारत में पहला मकबरा जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं अपने आगे चल के। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नींव डालता है, इल्तुतमिश पूरा करता है और फिरोजशाह तुगलक इसकी पांचवी मंजिल को बनवाता है। इस तरह से कभी कभी कुतुब मीनार के बारे में पूछते थे कि इसकी पांचवी इमारत को मंजिला को कौन बनवाता है, तो फिरोजशाह तुगलक वहीं इसकी पूरा जो निर्माण करवाता है वो इल्तुतमिश करवाता है और इसकी नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक डालता है। इल्तुतमिश से संबंधित हस्म ए कल या फिर कल में सुल्तानी सुल्तान द्वारा स्थापित सेना कहा जाता था। बयाना पर आक्रमण करने के लिए एक सेकंड बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो जाता है और अंततः 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को नियुक्त किया था। किसे बनाया था? तो अपना उत्तराधिकारी ये पहला सल्तनत काल में क्या ये कहें, जब से हम इतिहास पढ़ रहे हैं तब से पहले कोई स्त्री का यहाँ पर नाम आता है जिसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है लड़कियाँ तो हमेशा कलती थी पहले भी, और आज तो खैर लड़कियों को बहुत मतलब रेस्पेक्ट मिल रही है, सब जगह उन्हें पोजीशन मिल रही है सब तरह से। बस ये कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है, आप कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं इस चीज़ को। तो ये भी यहाँ पे इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को यानी रजिया सुल्ताना थी उसे उत्तराधिकारी इसका बनाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने उसके बेटे इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बैठाया 1236 में। रुकनुद्दीन के अल्पकालीन और महत्वहीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान जो एक तुर्की दासी थी छाई रही।
कोई ख़ास नहीं है, आगे देखते हैं। रज़िया सुल्तान ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे उत्तराधिकारी बनाता है इल्तुतमिश, इसलिए। तो रज़िया सुल्तान दिल्ली की जनता तथा तुर्की अमीरों के सहयोग से 1237 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। 1240 में तवर हिंद के अख्तादार क्या है, बठिंडा का गवर्नर। अगर फिर से देखते हैं, 1240 ईस्वी में तवर हिंद के अख्तादार अल्तूनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए रज़िया को तवर हिंद की ओर जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था? तवर हिंद की ओर। 1240 में तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर रज़िया को बंदी बना लिया और दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, उसका नाम था मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, इसको गद्दी पर बैठाया। तवर हिंद के अख्तादार अल्तूनिया से विवाह कर रज़िया ने पुनः दिल्ली के तख्त को प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु बहराम शाह ने केथल के समीप दोनों की हत्या कर कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा करवा दी। दोनों की हत्या कौन करवा देता है? बहराम शाह ने केथल के समीप दोनों की हत्या कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा करवा दी थी। इसकी दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका रज़िया थी, इसलिए रज़िया इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। रज़िया मध्य भारत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रज़िया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता निजामुल मुल्क जुनेदी था, जो किसका विरोध कर रहा था? रज़िया सुल्तान बनती है इसका विरोध कर रहा था ये, उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनेदी। रज़िया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण रज़िया का स्त्री होना तथा गुलाम तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा होना था। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ ही तुर्की सरदारों ने नाइब, अर्थात नाइब का मतलब क्या है, नाइब ए मुमलिकात नामक नए पद का सृजन किया और शासन के संपूर्ण अधिकार उस अधिकारी को सौंप दिए। नाइब पद पर सबसे पहले मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में है, 1242 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को कैद कर मौत के घाट उतार दिया तथा उसके स्थान पर उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे, क्या नाम था उसका, महमूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था महमूद शाह को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया। अलाउद्दीन महमूद शाह के समय में नायब पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन, जो एक गैर तुर्की सरदारों के दल का नेता था, उसे बैठा दिया। अमीर हाजिब का पद बलबन को दिया गया, ठीक है, किसका पद दिया गया? अमीर हाजिब बलबन को दे दिया गया। 1246 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मसूद शाह को बंदी बना लिया और उसके स्थान पर 1246 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मसूद शाह को बंदी बना लिया और उसके स्थान पर इल्तुतमिश के बेटी, इल्तुतमिश का बेटा क्या था, नसरुद्दीन महमूद को 10 जून 1246 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ये कहानी इतना नहीं जाना आपको, इसके बारे में इतना नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बता इसलिए रही हूँ कि टॉपिक में जैसे कि रज़िया के बारे में, तो इसने कि बेटे के बाद फिर कौन गद्दी पर बैठता है, इसलिए क्योंकि इसका विरोध किया जाता है ना रज़िया का, तो इसलिए फिर कौन इसका उत्तराधिकारी बनता है, तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नासिरुद्दीन महमूद सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाला शासक था, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, इसलिए ये नासिरुद्दीन महमूद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नासिरुद्दीन महमूद ने 7 अक्टूबर 1249 को बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की तथा उसे अमीर हाजिब बनाया। ये बलबन, बाद में कहानी चलती है बलबन की भी, तो क्या बनाया इसे, 1249 में बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी और उसे अमीर हाजिब बनाया। बलबन ने अपनी लड़की का विवाह 1249 में नासिरुद्दीन महमूद से किया था। नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठने का श्रेय बलबन को ही जाता है। नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठाने का जो श्रेय है वो बलबन को ही जाता है। 1253 ईस्वी में बलबन को पदच्युत कर हांसी भेज दिया गया। बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन शाह से छत्र प्रयोग की अनुमति मांगी। किसकी अनुमति मांगी थी? छत्र प्रयोग करने की।
आगे चलते हैं इसमें। आगे जो है, बलबन ने 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलूक के साथ समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की। किसके साथ में? हलूक के साथ में शांति समझौता कर लेता है पंजाब में, वहाँ पे शांति स्थापित करता है। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और उत्तराधिकारी बन गया। फिर से देखते हैं इस लाइन को, कहाँ से बनता है बलबन सुल्तान। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है और इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है, आगे गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम होता है। इसका जो टाइम रहता है 1266 से 1287 रहता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1232 से 1233 ईस्वी में बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को ख़रीद लिया था। ठीक है, यहाँ से बलबन इनके अंदर में आ जाता है इल्तुतमिश की। इलवारी जाति का द्वितीय शासक गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। किस जाति का? इलवारी जाति का द्वितीय शासक जो है गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। ये 40 तुर्कानी चहलगानी चलाती हैं, 40 तुर्की का सरदार था, इसे बलबन समाप्त कर देता है। बलबन के समय में बंगाल की राजधानी लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता है। किसे? लखनौती को। बलबन के समय में बंगाल की राजधानी लखनौती थी, उसे विद्रोह का नगर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ विद्रोह वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए। बलबन ने मलिक मुकद्दीन को तुगरिल को उसकी उपाधि प्रदान की। सिजदा, अब ये इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला छोड़ दो, ये काय की उपाधि लिए बलबन ने कुछ नहीं मतलब है, तुगरिल जो भी होगा। सिजदा ये इम्पोर्टेंट है, सिजदा का मतलब क्या होता है? घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, इसे कहते हैं सिजदा। और इसे कहते हैं पाबूस का मतलब होता है पाँव को चूमना। इन दोनों की प्रथा बलबन ने चलाई थी। नवरोज उत्सव को भी बलबन ने ही प्रारंभ किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बलबन था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। बलबन ने ईश्वर शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का आधार बनाना चाहा। किसने? बलबन ने। बलबन के दरबार में अमीर हसन ये भी कवि थे, अमीर खुसरो भी कवि, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिस, ये कौन थे? ज्योतिषी एवं चिकित्सक थे। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना एहसानुद्दीन, ये सभी विद्वान थे जो अपने दरबार में रहते थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्लेलाही की उपाधि धारण की। तो ये हो सकता है सबसे पूछ लें कि जिल्लेलाही, ये शब्द बहुत फेमस रहता है इन लोगों में सल्तनत काल में, तो इसलिए शायद आपसे पूछ लिया जाए कि बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो जो जिल्हेलाही की। हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। बलबन स्वयं को सानामा के नायक अफ्रासियाब का वंशज बताता है बलबन स्वयं को। बलबन ने राजा को ईश्वर की परछाई यानी कि जिल्ला और धरती पर उसका उप प्रतिशासक यानी कि इसका मतलब होता है नियाबत खुदाई माना है। बलबन ने दीवान अर्ज का दूसरा नाम था सैन्य विभाग की स्थापना की। मोहम्मद, बलबन का पुत्र था मोहम्मद, मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को ना बर्दाश्त कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 में हुए युद्ध में बलबन के पुत्र मोहम्मद खान की हत्या कर दी गई। यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना है कि इसकी यहाँ मृत्यु हो गई, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो वही था, जिल्लेलाही की उपाधि और नवरोज था और सजदा पाबोस वगैरह इसने प्रारंभ किया था, चहलगानी को समाप्त कर दिया था, ये सब चीज़ें बलबन के द्वारा की गई थी।
बलबन ने ये दीवानी या सैन्य विभाग की स्थापना की, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका है। अब वो अब आगे हो जाता है इसमें, बलबन ने अपने पोत्र, बेटे का बेटा था यानी पोत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपने पोते को। दिल्ली के कोतवाल, क्या नाम था उनका, फखरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की मृत्यु के बाद कूटनीति के द्वारा के खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर केकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। किसे बैठाया? केकुबाद को। केकुबाद ने नायब निजामुद्दीन को जहर देकर मरवा दिया। इसमें इतिहास में यही होता रहा है, किसी को राजा बना दिया, फिर कुछ दिन चला, उस शासन से हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया, जहर देकर मार दिया, सर कलम कर दिया। ये पूरा इतिहास इसी से भरा पड़ा है। केकुबाद ने, इम्पोर्टेंट नहीं बस पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस इनके बारे में थोड़ा सा, जब किसी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो चार लाइनें पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो केकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया। केकुबाद को लकवा मारने के बाद तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र शमसुद्दीन को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर स्वयं का अधिकार कर लिया। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की स्थापना हो गई। बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर था। बलबन का अंतिम जो शासक था बलबन वंश के, तो शमसुद्दीन तैमूर था। आगे इसका पॉइंट हो जाएगा इसमें, यानी कि कादम है ना, भी जो उनका वंश समाप्त हो जाता है, यहाँ से खिलजी वंश का आरंभ हो जाता है। तो इसका खिलजी वंश कहाँ शुरू होता है? 1290 से और 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो समय है, समय काल है 1290 से 1296 तक रहता है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की आयु में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। कहाँ बैठता है? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक केकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ था। केकुबाद ने बनवाया था महल किलोखरी, उसी के महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। ठीक है, यहाँ से राजधानी का नया प्रश्न बनता है कि राजधानी, इसने अभी तक राजधानी दिल्ली चल रही थी, अब इसने राजधानी किलोखरी को बना दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप में सामने रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली के सरदार एवं नागरिकों के विरोध के भय से प्रवेश नहीं कर सका। तो फिर से देखते हैं लाइन को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली के सरदार एवं नागरिकों के विरोध के भय से प्रवेश नहीं कर सका। इसका से विरोध बना रहा, इसलिए यहाँ पर प्रवेश ही नहीं कर पाया दिल्ली में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोल नेता, क्या नाम था इसका? हलाकू यानी कि हुलागू, ये कुछ भी कह सकते हैं, हलाकू या हुलागू का पुत्र था अब्दुल्ला। इसने भारत पर आक्रमण किया। किसने? अब्दुल्ला ने, जो कि हलाकू का पुत्र था। चंगेज़ की नाती था उलुग ने 2000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में ही रहने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उलुग के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। किसके साथ किया? उलुग के साथ और उसके रहने के लिए दिल्ली के समीप ही मुगरलपुर नाम की बस्ती बसाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत पर आक्रमण करने के लिए आए उन मंगोलों को, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहना शुरू किया, उस वर्ग को नव मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया? नव मुसलमान, जो कि भारत में आ गए, जो मंगोल थे भारत में आ गए, रहने लगे, उधर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और यहीं पर अपना जीवन बताना प्रारंभ कर देते हैं। 19 जुलाई 1896 को अलाउद्दीन खिलजी ने, अब यहाँ से खिलजी की एंट्री हो जाती है, ठीक है, कब से? 1296 से। तब इसका चाचा होता है जलालुद्दीन, जो कि
खिलजी वंश की स्थापना करता है तो इसकी हत्या करके इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान पे इसकी हत्या कर देता है। तो फिर से देखते हैं इस पॉइंट को। 19 जुलाई 1296 को 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान में की। अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, यानी कि दामाद भी था उसका भतीजा भी था, उधर ये चाचा लगता था। कैसे कैसे रिश्ते बता दिए, कुछ नहीं छोड़ते थे, बहन बेटी को ही छोड़ते थे, यहीं शादियाँ कर लेते आपस में ये। आगे चलते हैं इसमें, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा था। तो 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने राजछत्र धारण करके अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। ये कट टाइप का था बहुत। इसके नियमानुसार राज्याभिषेक 3 अक्टूबर 1296 को बलवन के दिल्ली से लाल किले में हुआ 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अली गुरशप पूछा जाता है इसके, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या अली गुरशप था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस की उपाधि धारण की, तो उसकी उपाधि पूछी जाती है सिकंदर सानी, यानी कि द्वितीय सिकंदर का हो की उपाधि धारण की। इसने यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी धारण की। ये भी बहुत लंबी चौड़ी उपाधि है, इसे भी धारण किया इसने। यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। अलाउद्दीन के समय में इसकी सेना जो है स्थायी थी, अस्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। अगले पॉइंट में है, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक मामलों से संबंधित दीवाने रियासत की स्थापना की जो कि आर्थिक मामले से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, ये इम्पोर्टेंट, इसका सर्वप्रथम कदम उठाया। किसका? बाजार नियंत्रण का। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक, क्या नाम था हिंदू शासक का, रामदेव को राय रायन की उपाधि दी एवं एक चंदोबा से सम्मानित किया। हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वही मैंने छोड़ दीजिए इसे। हजार दीवानी दिनारी नाम से प्रसिद्ध हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर, अपने मूवी देखी होगी, कौन सी थी, पद्मावत, उसमें दिखाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा करेक्टर दिखाते हैं इसका। मलिक काफूर गुजरात विजय के बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन के सामने तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया गया। नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। किसने खरीदा था इसे? नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। मलिक काफूर को हज़ार दीनारी भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दीनार देकर खरीदा गया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था की गई। किस आधार पर? दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था की गई। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के 1/2% भाग को भूमि कर के रूप में लेना निश्चय किया। कितनी भूमि को? 1/2% भाग को भूमि कर के रूप में लेना निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और घरी कर, कौन से कर हैं? घरे में झोपड़ी पर लगने वाला कर है, ये इसने लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत में पहला तुर्की आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। मलिक काफूर ने जब जाता है दक्षिण में तो वहाँ से विजय प्राप्त करता है, इसका श्रेय इसलिए मलिक काफूर को दिया जाता है। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की अनुपम सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
इसी के बेस पर आज वो मूवी बनी है पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार, अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि था, जो यानी कि अमीर खुसरो फारसी कवि था। चित्तौड़ विजय के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ गया था। कब गया था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहता था, जो फारसी कवि था। चित्तौड़ विजय के दौरान, जब चित्तौड़ विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय अमीर खुसरो इसके साथ वहाँ पर गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक की होलिया लिखने की परिपाटी जारी की। तो ये बात इसके बारे में पूछी जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक यानी होलिया लिखने की प्रथा कौन जारी करता है? तो होलिया लिखने वाली प्रथा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जारी की जाती है। सैनिक की होलिया यानी कि आकृति का वर्णन किया जाता है, आकृति का वर्णन। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक घोड़ों को दागने की प्रथा, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सैनिक घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित की। उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था अलाउद्दीन खिलजी, उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था। इसने सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था की थी, ये नगद वेतन देता था। किसी के साथ सामान्य व्यवस्था नहीं थी कि जमीन बांटते हो और फिर वो जाके बाद में मारकाट करने लगे ना, ये वेतन देता था सबको, वेतन लो मैं काम करूँ, जमीन वाला सिस्टम नहीं रखेंगे किसी को। अलाउद्दीन खिलजी कम तोलने को, अलाउद्दीन खिलजी जो है कम तोलने वाले को शरीर से मांस काट लेने की आज्ञा दी था। तो कहता है कि जब इनके यहाँ पे जो व्यापार वगैरह होता था तो माप तोल वाला काम चला था, अगर वहाँ पे अगर वजन में अपने किसी चीज़ को कम तोल दिया तो उसे की पूर्ति उसके मांस काट के की जाती थी। इस तरह से उसने बाजार नियंत्रण जैसी नीतियाँ बनाई थी। तो बहुत कट्टर टाइप का था ये राजा था, शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1 जनवरी 1316 को हो जाती है मलिक कापुर के प्रभाव के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे बड़े पुत्र खिजर खां का, सबसे बड़ा पुत्र था खिजर खां, को उत्तराधिकार से वंचित कर शहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसे कि मतलब पहला इनका बड़ा पुत्र था खिजर खां, उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इसे बनाता है, शहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। मलिक कापुर की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र, इसका तीसरा पुत्र था मुबारक खिलजी, इसने इसकी हत्या कर दी। किसकी? मलिक कापुर की। मुबारक खिलजी ने शहाबुद्दीन खिलजी को अंधा कराकर कैद में डलवा दिया। किसने? ये तीसरा पुत्र था इस खिलजी का, उसका अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसने खिलजी ने क्या किया? शहाबुद्दीन खिलजी को अंधा करवा देता और कैद में डलवा देता है। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी, 1316 ईस्वी को मुबारक खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मुबारक खिलजी की हत्या उसका वजीर खुसरो कर देता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लिया ही बहुत है। नासिरुद्दीन खुसरोशाह 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को नासिरुद्दीन खुसरोशाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नासिरुद्दीन खुसरोशाह की मृत्यु 5 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली में युद्ध करते समय हो जाती है। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखें कि नासिरुद्दीन खुसरोशाह की मृत्यु 5 सितंबर 1320 को दिल्ली में युद्ध करते समय हो जाती है। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, इसलिए ये प्रमुख शासक हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नासिरुद्दीन खुसरोशाह के बाद कौन आता है। इसके बाद में अब आ जाती है तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी से 1412 रहती है। तो इसका पहला शासक जो होता है गयासुद्दीन तुगलक होता है, जो 1320 से 1325 तक रहता है। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या फिर कहें से गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का संबंध करोना जनजाति संबंधित था। भैया करोना वो नहीं है जो आज के टाइम में करोना चल रहा है, वो नहीं, ये करोना कोई जनजाति थी उससे संबंधित था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी नाम
शाहगाजी के नाम से गद्दी पर बैठता। किस नाम से? शाहगाजी। आज ही वजी उपाधियाँ दे लेके बैठे हैं, जो नाम तो वही रखे रहे तो परेशानी थोड़ी ना हो जाती। अजीब, हमारे इतिहास को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उपाधियाँ ले लेके। चलिए, और जो भी लें उपाधि, हमें तो वही पढ़ना है, क्या करें। तो अगला पॉइंट है अपना, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था, जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों को बद करने वाला शब्द जोड़ा था। इसमें क्या शब्द जोड़ा था? गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का बद करने वाला। नहर का निर्माण करवाने वाला प्रमुख सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, इसलिए से जाना जाता है। बहुत फेमस है कि नहरों के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है, तो नहरों के निर्माण के प्रमुख शासक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ही था। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। जो तुगलकाबाद दिल्ली में स्थापित है, उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। किसने कही थी वाली बात? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। ओके, क्लियर है पॉइंट? आगे देखते हैं। मार्च 1325 ईस्वी को अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के लड़के, क्या नाम था लड़के का? जूना खां, इसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में सुल्तान के प्रवेश करते ही महल गिर गया, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। क्या हो गई थी? लकड़ी का महल था, गिर गया था, वो ढह गया था, तो उसी में दबके इसकी मृत्यु हो जाती है। बंगाल भी जब अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की मौत होती है, यहीं पे इस महल में दब जाता ही है। इसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी प्रमुख शासक होता है, जो 1325 से 1351 रहता है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, इसका दूसरा नाम जूना खां होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया? देवगिरी को। देवगिरी का नाम परिवर्तित कर मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम क्या रखा? देवगिरी का नाम ही बदल के दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोई की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और किस लिए की थी? तो जिससे कृषि का विकास हो सके, इसलिए इसने अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, ये पूछा जाता है इसके कि सांकेतिक मुद्रा का मिश्रण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तेरह सौ 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया, काजी, और बाद में उसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला, इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली का सुल्तान कुल 23 प्रांत दिल्ली की सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटी थी। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय 23 प्रांतों में बटी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर था। अपनी सनक भरी योजना, ये थोड़ा अजीब टाइप का राजा था, शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। ये इसके बारे में पूछा जाता है कि रक्त पिपासु किसे कहा जाता है, क्रूर कृत्यों, क्रूर शासक कौन था, अपनी सनक की वजह से कौन जाना जाता है, सनक भरी योजना की वजह से, स्वप्नशील, इस तरह से 4-5 से नाम है दिए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है पागल और रक्त पिपासु, ये पेपर में कई बार पूछा गया है।
तो इसलिए इसे आप याद रखें, भूलिएगा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में 1366 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, कौन? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के निकट गोंडाल में 20 मार्च 1351 को हुई थी। इसके मरने पर इतिहासकार बर्नी ने कहा, बर्नी ने लिखा था, क्या लिखा था? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसने कहा था? बर्नी ने, जब ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद बिन मर जाता था, इसके बाद में फिर फिरोजशाह तुगलक आता है। ये इसका और भी महत्वपूर्ण शासक होता है फिरोजशाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक, चचेरा भाई होता है ये, जो 20 मार्च 1351 को गद्दी पर बैठता है। फिरोजशाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर, क्या क्या थे वो 4 कर, यानी कि इस टाइम में जब वो कर चल रहे थे 24 तरह के कर लिए जाते थे, तो उसने सभी को समाप्त कर दिया, सिर्फ 4 करों को रखा। कौन कौन से थे? खराज था एक, खुम्स था, जजिया और जकात, ये 4 कर थे। इनको वसूल करने का आदेश दिया। फिरोजशाह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फिरोजशाह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोजशाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, कितने सारे नगर की स्थापना की, देखिए। फिरोजशाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, इन सभी नगरों की इसने स्थापना की। फिरोजशाह तुगलक ने मुस्लिम अनाथ स्त्रियाँ होती थी, विधवाएं होती थी और लड़कियां, इन सभी की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना की फिरोजशाह तुगलक ने। दासों की देखभाल के लिए भी दीवान ए बंदगान की स्थापना की। देखिए, मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवा, लड़कियां, सभी की सहायता के देखरेख के लिए दीवान ए खैरात की और दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का फिरोजशाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई में पालन करते हुए उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। फतुहात ए फिरोजशाही फिरोजशाह तुगलक द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। किसने लिखी है? फिरोजशाह तुगलक द्वारा ही लिखी गई है। फिरोजशाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना शख्स संरक्षण प्रदान किया। किसी किया? फिरोजशाह तुगलक ने, तो जियाउद्दीन बर्नी ने एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। लिंटल एवं शातिर के साथ मेहराब का प्रयोग तुगलक वास्तुकला की विशेषता थी। टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को लाकर फिरोजशाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। जब हम अशोक पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था टोपरा और मेरठ के दोनों अभिलेख के बारे में। तो ये फिरोजशाह टोपरा मेरठ से उठवा लाता है, वहाँ से उखड़वा के ला के दिल्ली में स्थापित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त की गई जागीर प्रथा को फिरोजशाह तुगलक ने पुनः चालू कर दिया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त की गई थी जागीर प्रथा। फिरोजशाह तुगलक ने जनता की सुविधा के लिए कम मूल्य के सिक्के को क्या कहते थे? अद्धा तथा बिक, ये दो तरह के सिक्के थे, इनका प्रचलन करवाया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार फिरोजशाह तुगलक ने अपने को खलीफा का नायब घोषित किया। पहली बार इसने एली फिंस्टन ने फिरोजशाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोचिए, यानी कि अकबर की भूमिका क्या थी, तो वही एक भूमिका फिरोजशाह तुगलक की इस वंश में होती है, सल्तनत काल में होती है। फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 20 सितंबर 1388 ईस्वी को हो जाती है। अब इसके बाद में आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय,
जो कि इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पोता, ये पोता होता है उसका एवं फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह सितंबर 1388 में गद्दी पर बैठता है। तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। इसके बाद अब आता है अबू बकर, जो 1389 से 1390 तक है, लास्ट है इसका। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की विलासी प्रवृत्ति के कारण इससे असंतुष्ट सरदारों ने इसकी हत्या कर फिरोज शाह का पोता एवं जफर खां के पुत्र अबू बकर को 19 फरवरी 1389 को दिल्ली का सुल्तान बनाया। किसे? अबू बकर को। 24 अप्रैल 1389 को शहजादा मोहम्मद ने अपने को समाना में सुल्तान घोषित कर दिल्ली पर आक्रमण किया। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो इसे, आगे चलते हैं। इसमें नासिरुद्दीन महमूद शाह, शहजादा मोहम्मद अबू बकर को अपदस्थ कर 1390 को नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली पर बैठता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु जनवरी 1394 में अतिशय विलासिता तथा मद्यपान के कारण हो जाती है। किसकी? मोहम्मद शाह की। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं कौन होता है? उसके नासिरुद्दीन मोहम्मद का पुत्र मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु 8 मार्च 1395 को होती है। अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा आपका कि नासिरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का सबसे छोटा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये सभी इनके नाम ऐसे होते हैं, एक जैसे लगते हैं सब पढ़ने में, देखने में। अब नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसकी जब मृत्यु हो जाती है 1412 ईस्वी में, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक यह है। कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह, यह है तुगलक वंश का अंतिम शासक है। इसके समय में तैमूर लंका आक्रमण भारत पर हुआ था। तुगलक काल की बारह खम्मा भवन को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। तैमूर का आक्रमण, अमीर तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना में केच नामक स्थान पर हुआ था। तैमूर के पिता अमीर तुर्गाई बारलस तुर्गों की गुर्गा अथवा चगताई शाखा का प्रमुख था। कौन था ये? फिर से लाइन पढ़ लेते हैं। तैमूर का जो पिता है अमीर तुर्गाई बारलस तुर्कों की गुर्गा या फिर कहें चगताई शाखा का प्रमुख था। 1369 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में तैमूर समरकंद के सिंहासन पर बैठा। कहाँ बैठा? समरकंद के सिंहासन पर। अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर एक विशाल सेना लेकर समरकंद से चला गया था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था भारत में आक्रमण तैमूर ने? 1398 ईस्वी में। तैमूर और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बीच 17 दिसंबर 1398 को युद्ध होता है। इसके बाद में 18 दिसंबर 1398 को तैमूर दिल्ली शहर में घुसा, युद्ध होता है। उसके बाद में दिल्ली शहर में घुसा एंट्री हो जाती है इसकी। तैमूर ने दिल्ली में 15 दिनों तक ठहरने के बाद 1 जनवरी 1399 को समरकंद के लिए प्रस्थान किया। तैमूर ने अपने स्वदेश लौटने के लिए 19 मार्च 1399 को सिंधु पार किया था। यहाँ तक इसके बारे में बात हो गई, ठीक है, तैमूर के बारे में। अब नेक्स्ट वंश आता है तैमूर के बारे में, तो चल लाइन और बची हैं। तैमूर ने अपनी जीवन वृत्ति जो है तुझे के तैमूरी में अनेक बार यह लिखा है कि भारत पर
हमला करने के पीछे उसके दो उद्देश्य थे। वो उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य को जान लेते हैं। पहला उद्देश्य था गैर मुसलमानों पर हमला कर अब आने वाली जीवन में कुछ प्रतिफल कमाएं, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उनके ऊपर हमला करते और जीवन में कुछ प्रतिफल कमाएं, ये इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा था इस्लाम की सेना और गैर मुसलमान पर हमला कर कुछ रकम और बहुमूल्य वस्तुएं लूट ले जाना था, ये इनका उद्देश्य था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है सैयद वंश का संस्थापक जो होता है वो खिजरखां होता है। खिजरखां 1414 से 1421 तक रहता है। सैयद वंश का संस्थापक खिजरखां, यह सैयद वंश का प्रथम शासक था। तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन शुरू होता है। खिजरखां 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। उसने रियात आला की उपाधि धारण की। किसने, खिजरखां ने किसकी उपाधि धारण की, रियात आला की उपाधि धारण की। तैमूर लंग ने खिजरखां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। किसने, तैमूरलंग ने। खिजरखां अपने को तैमूरलंग के चतुर्थ पुत्र उत्तराधिकारी शाहरुख का प्रतिनिधित्व बताता था और उसने नियमित रूप से वार्षिक कर और उसे नियमित रूप से वार्षिक कर भेजा करता था। खिजरखां की मृत्यु 20 मई, इसकी मृत्यु कब होती है, इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, खिजरखां की। खिजरखां के बाद आता है मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1421 से 1434 रहता है। खिजरखां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ज़्यादातर राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले थे, दो चार के नाम हैं जो उधर उधर जाते हैं। इसके अलावा सब दिल्ली पर ही रहते हैं, शासन करते रहते हैं दिल्ली पर। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। मुबारक शाह ने याया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजाश्रय प्रदान किया था। मुबारक शाह ने मुबारकबाद नवनगर की स्थापना की। इसकी मृत्यु उसका वजीर कौन होता है, सरवल उल मुल्क के षड्यंत्र के द्वारा 19 फरवरी 1434 को इसकी मृत्यु करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है। अगला पॉइंट इसमें अपना मोहम्मद शाह जो है 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक मोहम्मद शाह रहता है। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह को लाहौर और सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी ने एक बार सहायता प्रदान की थी, जिस कारण मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहाँ की उपाधि प्रदान की और अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। अलाउद्दीन आलम शाह जो 1445 से 1451 तक रहता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर हमीद खान ने बहलोल लोधी को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। किस आमंत्रित किया था, बहलोल लोधी को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर हमीद खान ने बहलोल लोधी को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। लोधी वंश की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। अब लोधी वंश जो है इसकी 1451 से 1526 लोधी वंश रहता है। इसमें पहला शासक जो होता है लोधी वंश का बहलोल लोधी होता है। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी होता है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी 10 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता है। क्या, बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए अली
कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी द्वारा जारी किए गए सिक्के बहलोली सिक्के कहलाए। उसका नाम था बहलोल, तो उसने बहलोली नाम की मतलब बहलोली सिक्के कहलाए जिसने चलवाई थी। बहलोल लोधी की मृत्यु जलाली के समीप जुलाई 1489 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद में सिकंदर शाह लोधी आता है जो 1489 से 1517 तक रहता है। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका दूसरा पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली गद्दी पर बैठता है। सिकंदर शाह ने 1504 ये सिकंदर शाह सिकंदर लोधी जो है 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है 1504 में, तथा उसे अपनी राजधानी बनाता है। देखो अभी तक राजधानी दिल्ली बनी रही थी ज़्यादा टाइम, लेकिन अब ये प्रश्न आप पूछा जाता है कि आगरा को राजधानी कौन बनाता है, तो इसकी स्थापना भी सिकंदर लोधी करता है और इसे 1504 में इसे अपनी राजधानी बनाता है। सिकंदर शाह गुलरुखी नाम से, यहाँ पूछा जाता है सिकंदर किस नाम से यानी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इसके शासन काल में एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया है। किस नाम से? फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया है। सिकंदर शाह ने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगा दिया था, जो पहले लगाया था उसने मोहम्मद फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कर्तव्य लगा हटा करके और चार कर छोड़े थे। इस तरह से यहाँ पे सिकंदर शाह ने जजिया कर फिर से लगा दिया था, तथा अनाज से जकात समाप्त किया था। इस तरह से उसने ये अपनी नीति लागू की। हाँ, लोधी वंश का महानतम शासक जो है सुल्तान सिकंदर शाह था। सिकंदर शाह की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को आगरा में ही हो जाती है। अब इसके बाद में आता है इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 तक रहता है। सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इसका बड़ा पुत्र होता है इब्राहिम शाह 21 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठता है। पंजाब का सूबेदार दौलत खां एवं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान है काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। और जब निमंत्रण देकर खुद बुला रहे हैं तो शासक तो करेंगे आके ना, ऐसे उसे अभी कुछ टाइम पहले उसे निमंत्रण दिया था, बाबर को भी नियंत्रण दे रहे हैं, अब आते हैं तो फिर वही युद्ध करते हैं और अपना शासन स्थापित कर लेते हैं और फिर हमारे लोगों को गुलाम बनाने लगते हैं। तो ये प्रोसेस अभी से नहीं है, इतिहास के टाइम से बनी थी। इतिहास गवाह इन चीज़ का कि शुरुआत से यही रहा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। अब बुलाओगे भैया वो सब कुछ तुम्हारे देश के बारे में सब समझ जाएगा, सब कुछ जान लेगा, आपकी कमजोरी को समझ लेगा, तो ये तो जीतना उसका तय है ना, तो जीत ही गया फिर वो। इसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई। पानीपत युद्ध के बाद में इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा सल्तनतकालीन सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद में थोड़ा सा और रह गया है। बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर शाह लोधी ने 1418 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर शाह लोधी ने बनवाया था। सिकंदर शाह लोधी का मकबरा इब्राहिम शाह लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह लोधी के वजीर ने करवाया था। सल्तनत काल में क्या क्या चीज़ें थी देख लेते हैं। शाहना ए मंडी कैसे कहते थे? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, उसे कहते थे शाहना ए मंडी, ठीक है। वरीद कौन होता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला, उसे कहा जाता था वरीद। मुनहियान एवं गुप्तचर ये क्या करते थे? ये गुप्त सूचना प्राप्त करते थे। तो इन लोगों के ये काम थे, तो जो काम थे इनके काम से सल्तनत काल में इन्हें क्या शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद में
मंत्री विभाग एवं उससे संबंधित कुछ कार्य हैं वो देख लेते हैं, वही जो हमने अभी देखे थे। तो जैसे सेना की भर्ती एवं देखरेख कौन करता था? आरिज एवं बुमालिक सेना की भर्ती एवं देखरेख करता था। दूसरे राज्यों से संबंधों की देखरेख कौन करता था? दीवान ए रसालत। राज्य की पत्र व्यवहार कौन करता था? दीवान ए ईशा। धार्मिक विषयों की देखरेख सदर उस सुदूर। न्याय संबंधित कार्यों की देखरेख जो है वो काजी उल कजात करता था। मुशरिफ ए मालिक ये महालेखाकार होता था जो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा मेरे पास रखता था। मजूमादार ये उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष होता था। बरीद मालिक यह गुप्तचर तथा डाक विभाग का अध्यक्ष होता था। वकील एदर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। वकील एदर दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दीवान ए वक्फ ये सल्तनत काल में कुछ शब्दावलियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है किसे क्या कहा जाता था। तो दीवान ए वक्फ व्यय की कागजात का देखभाल करना और दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग को देखता था। तो ये इसके मंत्री से संबंधित कार्य हो गए। तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया होगा ये वीडियो क्योंकि सल्तनत काल मैंने आज पूरा निपटा दिया है। सल्तनत काल में 5 वंश थे जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है इसे बढ़िया से। और मुझे नहीं लगता कि इस अगर पेट में पीटी का पेपर देने जाते हैं आप तो इससे आपका कहीं भी कोई प्रश्न छूटने वाला है। जो भाई बहन पहले से पढ़ तैयारी करते हैं आने साल 2 साल से 6 महीने से जो भी हैं तो वो तो पढ़ रहे होंगे पहले से, ठीक है। तो उनका यहाँ पर बहुत कम टाइम में अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। जो नए नए जुड़े हैं बिल्कुल तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगी कि आप 1.5-2 महीने में बहुत अच्छे से डीप में जा हिस्ट्री पढ़ पाएंगे या कोई सब्जेक्ट ना। आपको इतना टाइम यहाँ मिल रहा है, आप 2 बार वीडियो को जल्दी जल्दी देख लें। वैसे मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो आपका टाइम तो बिल्कुल वेस्ट करती नहीं हूँ, कोई बकवास करती नहीं हूँ, दर दर की बात मुझे करनी आती नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं, अपना वीडियो ख़त्म कर देते हैं अपना, फिर वापस आ जाते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी आपका कोई टाइम मैं बर्बाद नहीं कर रही हूँ, कम टाइम में आपको बहुत अच्छा रिविज़न करा रही हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए MCQs कराने वाली हूँ तो ये पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंटर देखा कीजिए। कोई क्वेश्चन हो कुछ भी सवाल जवाब करना हो उसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। पढ़ो पढ़ाओ फ्यूचर बनाओ।